किसान भाइयों, मैं आज फार्म ट्रैक की एजेंसी पर आया हूं और यहां दो ट्रैक्टर खड़े हैं। एक तो फार्म ट्रैक 45 है, 48 एचपी वाला, और दूसरा है फार्म ट्रैक 45-50 एचपी वाला ईपीआई बबलू टेस्ट ड्राइव ले रहा है। हमें फार्म ट्रैक की आवाज़ जो है मैसी से अच्छी लगती है, इसमें कोई हंटिंग नहीं है। ये देखिए क्या शानदार आवाज़ है। बबलू कैसा लग रहा? मैसी से बढ़िया लग रहा चलाने में? बढ़िया। और आगे पीछे करके देखिए, इसका बैक देखिए, थोड़ा चला कर बैक में कैसे चला है। आपको ले जाता है भाइयों, कोई भी ट्रैक्टर लेने से पहले टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए, चला कर देखना चाहिए सारे गियरों में। इसमें साइड गियर हैं और मौका लगे तो खेत में भी चला के देखना चाहिए, लोड ना मान रहा हो। कोई आवाज़ तो नहीं है गियर बक्से वगैरह में? भाइयों आवाज़ सुनो, एक टन आवाज़ है, नोजल की एक की आवाज़ आ रही है, कोई हंटिंग नहीं है। स्लो बहुत बढ़िया है। कितने आरपीएम पे खड़ा स्लो में? 500 के आसपास होंगे। चल खड़ा कर दें भाइयों। पावर स्टीयरिंग का अलग ही मज़ा है। अब के हम पावर स्टीयरिंग में लेंगे जो भी ट्रैक्टर लेंगे, क्योंकि ये अब तक हमने सादे स्टीयरिंग चलाए हैं। अभी लोंडा नया है, चला के देख रहा है। बैक भी बहुत अच्छी है। हाँ क्यों भाई, इसके ऑयल ब्रेक हैं भाई? ऑयल ब्रेक में बहुत ज़बरदस्त ब्रेक हैं, हाइड्रोलिक ज़बरदस्त है। तीन सिलेंडर 50 एचपी, 48 से मुझे 50 अच्छा लगा, 50 से कम तो हमें मज़ा ही नहीं आता, ज़्यादा तो फिर ज़्यादा हो जाए। 50 एचपी बहुत होता है किसान के लिए अपने काम के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर फ्री चलना चाहिए। जरा भी वाइब्रेशन नहीं है ट्रैक्टर में। नमस्कार। और भाइयों दूसरा ये है फार्म ट्रैक 45-48 एचपी में, ये सादा स्टीयरिंग है। अभी इसकी भी टेस्ट ड्राइविंग ली जाएगी, अभी मैं बबलू पे चलवाता हूँ इसे भी। भाइयों ये सादा स्टीयरिंग है, इसको बबलू चला के देखेगा, टेस्ट ड्राइव तो लेनी चाहिए। जब हमने पहले ट्रैक्टर लिए थे हमें इतना ज्ञान नहीं था, अब धीरे धीरे तजुर्बा होने लगा। अब इसके बारे में अभी बबलू बताएगा। क्या शानदार आवाज़ है। इसके बीच वाले गियर हैं, इसमें साइड वाले थे।
ये हल्का हंटिंग कर रहा है, 5 साल की वारंटी है भाई भाइयों इसकी। आज इसका फाइनल कर देंगे हम कौन सा बढ़िया लगा। बंद कर एक मिनट को बबलू, ये बताइए ईमानदारी से, जब तेने पावर स्टीयरिंग चलाया रहे सादा तो क्या पावर स्टीयरिंग। इसके बीच में गियर है, उसके साइड में है, तो साइड वाले अजीब से लगे। ये अजीब तो कुछ नहीं, ये तो 2-4 दिन में चला के हाथ से लग जा, पर स्टीयरिंग पावर होना चाहिए। ये तो धरती से पकड़ रहा, वो तो पानी से चला, तो पावर होना चाहिए अब जा। हाँ जी, बाकी वैसे आवाज़ तो सब एक है सेम। चलो अभी से वहीं करते सहज में। गियर में तो ये फायदा है ना, साइड के गियरों में मान लो कोई बच्चा भी बैठने लगा उसे दिक्कत हो गए। बीच क्या सही है? बीच का सही है, लेकिन पावर स्टीयरिंग होना चाहिए। पावर स्टीयरिंग, चलो भाइयों बीच वाला गियर अच्छा बताया बबलू ने, क्योंकि ये अपने भरोसे में दोनों पैरों के बीच में होता है। हाँ, उसमें सेफ नहीं है, इसमें बिल्कुल सेफ है। ये भी ऑल ब्रेक में, ये ऑयल ब्रेक में है ट्रैक्टर। क्या शानदार आवाज है, आजकल के बालक पावर स्टीयरिंग पसंद करते हैं भाई। और सादे की तो हम सिवाल चलावे थे पहले अपने जमाने में, ऐसा मुझे तो सादा ही पसंद है। देखो वक्त के अनुसार बदलना चाहिए, पर थोड़ी वर्जिश हो जाओ। जो आदमी 5-7 बीघे जुताई इससे कर लेगा सादे स्टीयरिंग से, उसे जिम जाने की आवश्यकता नहीं। बंद कर दें भाइयों, इसमें एक पावर बटन भी दिया है, वो केयर बटन इसमें तो सभी में दिया फार्म ट्रैक में। पायदान भी ऊंचे हैं इस वाले मॉडल में। अच्छा, उसके ऊंचे हैं, ऊंचा पायदान है, उसी हिसाब से बड़ी, मतलब उसमें जी लगा बैठने में, दोनों में ये ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छा इस पर जी लगा। उसमें ट्रैक्टर खुल के चलता है 50 में, अगर साइड है कोई बात नहीं, जब ऐसे है तो ये भी चल जाएंगे, वो तो अभी हादसा नहीं बैठा, पर पीछे तो बैठाना पड़ेगा, वही तो। चलो ये बढ़िया भाई, ये 3 सिलेंडर में बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, एक आदमी की सवारी हो गए। हाँ, एक भी चलाना चाहिए। लेबर वगैरह भाइयों, मैं भी बैठ कर देखता हूँ एक बार सीट पे। हालांकि अब मैंने चलाने छोड़ दिए क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही है, पहले शौक था, अब तो बाड़ा ही चलावा है। अरे राम रे, अरे वाह, बड़ा जी लगा भाइयों। ऊँचे पायदान, पैर बिल्कुल नहीं जमीन पर लटक रहे, क्योंकि 5.5 फुट हाइट वालों के लिए यही सही है पायदानों का। साइड में गियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर स्टीयरिंग, अब मैं दूसरे पे और बैठ कर दिखाऊंगा आपको भाइयों। मैं अब इस पे 48 HP वाले पे आ गया हूँ, सादे स्टीयरिंग पे। जितने अच्छे पैर उस पे रखे गए पायदान पे ऊंचे, देखो जो 6 फुट का आदमी तो उसका तो पैर इस पे फिट आएंगे। हाँ, तो मेरे भी गए, पर हल्का सा पंजा है और बाकी सब सही है, सेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। बीच में गियर हैं, देखो जी ईमानदारी से बताऊँ, मुझे तो बीच के गियर अच्छे लगते हैं क्योंकि ये अपने काबू में है। इस पर कई बार सवारी भूल से हाथ लग जा, पैर लग जा, वो अपनी समझ है। बाकी ज़माना बदल गया भाई, अब तो पावर स्टीयरिंग का ज़माना आ ही गया, हमारी कौन मानता है, अब तो लड़कों की चलती है। तो बबलू ने ये पास किया है 50 HP वाला, हालांकि ये भी पावर स्टीयरिंग में आ रहा है। अगर किसी को लेना हो 48 HP वाला तो पावर स्टीयरिंग में मंगा सकते हो आप, चीज़ कोई बुरी नहीं है, सारी बढ़िया है। भाइयों ये 50 HP में है और वो 48 में है,
आपको कौन सा पसंद है ज़रूर कमेंट कर बताएं। नमस्कार।